तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी OMG 2 को रिलीज होने के लिए अब बस एक ही दिन का इंतजार बचा है। एक दिन भी नहीं कह सकते हो दोस्तों, बस आज रात की ही दूरी है मूवी तक पहुंचने के लिए। जी दोस्तों, जैसा कि मूवी से उम्मीद थी उस हिसाब से इसको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। OMG 2 अक्षय पाजी के करियर की अमेजिंग कमबैक मूवी साबित हो सकती थी। तो आज जानेंगे अभी तक कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है मूवी, सब जानेंगे कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी अक्षय पाजी और कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी के डाई हार्ट फैन हैं और मूवी का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस, मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय पाजी देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। इसी के साथ दोस्तों जनता को ट्रेलर भी बहुत पसंद आया था। दोस्तों बात करेंगे एडवांस बुकिंग की, तो यस अक्षय पाजी की फिल्मों को जैसा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसा एडवांस में भर भर कर कमाई करती हैं इनकी फिल्में, वो चीज इस बार हो रही है मिस। क्योंकि एक सॉलिड कॉम्पिटिटर के सामने बैठे रहना भी काफी फर्क डाल रहा है मूवी की ग्रोथ में। दूसरा, सेंसर बोर्ड ने जो ए सर्टिफिकेट की रेटिंग दी है उसने अलग से दिमाग का दही कर रखा है। तीसरा ये कि आज जेलर मूवी के रिलीज होने से कहीं ना कहीं इसमें और ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो मूवी एक एवरेज ग्रोथ ही कर पाएगी, और अगर कहानी में कॉन्टेंट में दम निकला तब सुपर डुपर हिट का भी टैग ले सकती है। बाकी पंकज त्रिपाठी का मेन लीड में दिखना मूवी को बूस्टर दे सकता है कहीं ना कहीं। या दोस्तों, अभी तक OMG 2 लगभग 70,000 टिकट बेच चुकी है और लगभग 3,80,00,000 से ऊपर का कलेक्शन सिर्फ एडवांस बुकिंग से कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज फाइनल डे में अच्छा खासा आंकड़ा ले जा सकती है मूवी, और ले जाते हुए नजर भी आ रही है। और कल सुबह तक फाइनल एडवांस बुकिंग तक मे बी 6 करोड़ के आसपास आंकड़ा जाता दिख सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो अक्षय पाजी की पिछली कुछ फिल्मों में से OMG 2 को फिर भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बावजूद गदर 2 सामने है फिर भी, और जेलर सामने है फिर भी, वरना पृथ्वीराज, राम सेतु और बच्चन पांडे से तो और भी ज्यादा उम्मीद लगाई गई थी। सिंगल डे विदाउट कॉम्पिटिटर रिलीज हुई थी उसके बाद भी। जी दोस्तों, OMG 2 ने इन तीनों ही फिल्मों को खदेड़ दिया है अपने एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ दोस्तों मूवी को लगभग 1500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करा जा रहा है, और जिस हिसाब से जनता की तरफ से मूवी को रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिस हिसाब से रिव्यू मिल रहे हैं और जिस हिसाब से एडवांस में कलेक्शन कर रही है मूवी, लगभग 14 से 15 करोड़ तक की सॉलिड ओपनिंग ले सकती है अपने पहले दिन, और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में लगभग 150 करोड़ का आंकड़ा आराम से पहुंचा सकती है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी 150 करोड़ की कमाई कर भी पाएगी या नहीं, या OMG 2 एक सुपर डुपर हिट का भी टैग ले जा सकती है या नहीं, बाकी गदर 2 के सामने ये टिक पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।